हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिन बाद और एक ब्लॉग लेके आया हूँ आप सबके सामने। पहले सॉरी कहूँगा सबको, बहुत दिन वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा प्रॉब्लम था, तो आज से फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो मैं आज खाऊँगा राइस, प्लेन राइस, और यहाँ पे देसी चिकन, देसी मुर्गा का। तो शुरू करते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट। बहुत यम्मी बना है लग रहा है, मेरे वाइफ ने बहुत प्यार से बनाया है मेरे लिए आज। ग्रेवी भी बहुत, देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही गाढ़ा है, बहुत ही टेस्टी होगा। तो शुरू करते हैं। ऑनियन, बहुत ही टेस्टी बना है लेग पीस, तो ज़बरदस्त बना। आप विश्वास करिए दोस्त, ऐसा मीट मैं आज तक नहीं खाया, ज़बरदस्त बना है। आप कलर भी देख सकते हैं, बहुत सेक्सी है, बहुत लाजिश कलर। मज़ा आ गया। इसका ग्रेवी ज़बरदस्त हुआ, ज़बरदस्त, मतलब मीट से ज़्यादा मुझे ग्रेवी स्वादिष्ट लग रहा है।
बहुत ही खास बनाया आज। मैं अपने वाइफ को थैंक यू करना चाहता हूँ, उसने मेरे लिए इतना प्यार से चिकन बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट हुआ। और आप सबको तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए और बहुत 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 सारा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देसी मुर्गा थोड़ा हार्ड होता है, मतलब नॉर्मली जैसे पोल्ट्री होता है उस टाइप का नहीं, थोड़ा सा सख्त है लेकिन बहुत टेस्टी है। इसका बोन भी टेस्टी लगता है। और एक लेग पीस, बहुत ही टेस्टी, पूरा खा नहीं पाऊंगा लग रहा है, इतना टेस्टी ग्रेवी बनाया ना मेरा, मतलब इसका खुशबू से पेट भर गया, जबरदस्त। Awesome. Guys, मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, मैं फूड ब्लॉगिंग के साथ कुकिंग भी करता हूँ, आप लोग जानते हैं, तो और एक दिन और एक वीडियो में इसका रेसिपी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा, विश्वास करिए। आप लोग चिकन बना के खाते हैं घर में तो आप लोग भी बहुत टेस्टी बनाते होंगे, लेकिन आज का जो मीट है ना इसका टेस्ट ही अलग लेवल का, मतलब नेक्स्ट लेवल। मुझे ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी
आप लोग भी प्याज खाइए कच्चा प्याज, क्योंकि इसमें 5 न्यूट्रिशंस है जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक इसमें है, खास करके मिनरल्स। आप लोग कोशिश करिएगा इसको कच्चा ज़्यादा खाने की, कच्चा खाने से इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो खराब नहीं होता, डायरेक्ट आपको मिलेगा। और दूसरी बात, कोई कोई इसको काट के पानी में भिगोता है टेस्ट अच्छा आने के लिए, लेकिन ये आप लोग मत करिए, इससे इसका मैक्सिमम न्यूट्रिशन पानी में घुल जाता है। ऐसा टेस्टी बना, मन कर रहा है इसकी हड्डी को भी खा लो। तो दोस्तों मेरा हो गया, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक बार कहता हूँ, आप लोग लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा मेरा ये वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना और ऑल कर देना उसको, और बहुत सारा शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, और ऐसा देसी चिकन बना के घर में ट्राई करिए। गुड नाइट।